आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी, दो मछलियाँ और एक मेंढक। एक तालाब में दो मछलियाँ रहती थी। एक थी शतबुद्धि यानी 100 बुद्धियों वाली, दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि यानी 1000 बुद्धियों वाली। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे अपनी बुद्धि पर अभिमान नहीं था। शत बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या के समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछियारे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंस कर तड़प रही थी। तालाब के किनारे आकर मछियारे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है, कल आकर हम यहाँ पर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वह आने का निश्चय करके मछियारे चले गए। उनके जाने के बाद सभी मछलियों ने एक सभा की। सभी चिंतित थे कि अब क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, डरो मत, दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात अगर पूरी होने लगे तो संसार में रहना कठिन हो जाएगा, इसलिए डरो मत। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए तो ये संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना कायर पुरुषों का काम है। पहली बात तो ये कि वहां ये आएंगे ही नहीं, और दूसरी बात कभी आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगी। शत बुद्धि ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में कुछ भी संभव है। जहां वायु और प्रकाश की गति नहीं होती, वहां बुद्धिमानों की बुद्धि पहुंच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि नहीं छोड़कर जा सकते। अपनी जन्म भूमि में जो सुख होता है, वह सुख तो स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्ति पूर्वक सम्मान करने के लिए। तालाब की मछलियों को शत बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया। लेकिन एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, वह मुझे यही सलाह देती है कि यहाँ से भाग जाओ। इसलिए मैं सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर वह मेंढक मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वहां पर मछियारे आ गए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गईं। शत बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए अपने पैतरे बदले, किंतु मछियारे भी अनाड़ी ना थे। उन्होंने चुन चुन कर सभी मछलियों को जाल में बांध लिया। सब ने तड़प तड़प कर वहीं पर प्राण त्याग दिए। संध्या का समय हुआ तो मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल अपने कंधे पर उठा लिए। शत बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बहुत ही भारी मछलियां थी, इसलिए उन दोनों को उन्होंने अपने कंधों पर और हाथों पर लटका लिया। उनकी दुर्वस्था देखकर मेंढक ने मेंढकी से कहा, देखो प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय शत बुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों पर लटकी जा रही है, उस समय मैं एक बुद्धि एक छोटे से जलाशय में निर्मल जल में सानंद विहार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है, और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है, और हमें सहस्त्र बुद्धि की तरह अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी, दो मछलियां और एक मेंढक।